बायोनॉर्गेनिक पे जो हमने टेस्ट लिया था उसके जो आंसर्स हैं उन आंसर्स को हम इस वीडियो में डिक्रीज कर रहे हैं पहला सवाल है नॉन इसेंशियल एलिमेंट अमंग फॉलोइंग तो नॉन इसेंशियल एलिमेंट इनमें से आर्सेनिक है करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी दूसरा सवाल है विद द डिक्रीज ऑफ पीएच बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन तो जैसे जैसे आपकी पीएच डिक्रीज़ होता है हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज ऑप्शन नंबर वन तीसरा सवाल है विच प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व इन आयरन ट्रांसपोर्ट आयरन ट्रांसपोर्ट में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है यहाँ पे तो नामी से पता चल रहा था यहाँ जो ये ट्रांसफेरिन है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक तो ट्रांस है दूसरा फेरिन है ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर और फेरिन का मतलब होता है आयरन तो आयरन को ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो ट्रांसफेरिन करता है अब अगला सवाल है सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन साइनो कोबाल साइनो कोबाल में जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है रोल ऑफ सोडियम पोटाशियम पम्प कंट्रोल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली करेक्ट चार्ज ट्रांसफर एग्जैक्टली करेक्ट मेम्ब्रेंस पोटेंशियल एग्जैक्टली करेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है डी इनमें से सब सब क्या थे सही थे अब छठवां सवाल है नंबर ऑफ हीमी यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में हीमी यूनिट प्रेजेंट होती हैं चार जबकि मायोग्लोबिन में हीमी यूनिट होती हैं एक फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन तो इसका करेक्ट आंसर uh, है आपका मायोग्लोबिन का हो गया हो गया है ओ टू ट्रांसफ़र हो गया है इसको चेक कर लेते हैं फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन अगला सवाल है लीगन सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन बी वाला आंसर है कोरिन कोरिन uh, नवा सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मेट हेमोग्लोबिन तो इसका करेक्ट आंसर है थ्री एक्चुअली जब भी मेट की बात होगी चाहे वो मेट मायोग्लोबिन है या चाहे मेट हेमोग्लोबिन है उसमें हमेशा आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री रहेगी करेक्ट सेट ऑफ इसेंशियल एलिमेंट तो इसेंशियल एलिमेंट का करेक्ट सेट जो था वो था आयरन मोलोविडियम कॉपर और जिंक हो गया है अगला सवाल था रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया कैरीड आउट बाय एंजाइम नाइट्रोजनेस नीड उसको अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एट इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है हाइपरकलोनोमिया डिफिशेंसी इज ड्यू टू ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ये पोटेशियम की डिफिशेंसी डिजीज़ होता है इसेंशियल एलिमेंट फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट तो ये सोडियम हार्ट बीट को कंट्रोल करता है अगला सवाल है सेंट्रल मेटल फाउंड इन कोकारबोगेस कार्बो कोकार्बोगजेज में जो सेंट्रल मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है अगला सवाल है एनीमिया इज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इसका करेक्ट आंसर है आयरन इसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन कॉपर हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑफ कॉपर अगला सवाल है सेंट्रल मेटल इन कार्बोक्सीपेपटाइटिज इसका करेक्ट आंसर था जिंक अब सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन फाउंड इन क्लोरोफिल से क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है अब अगला सवाल नंबर ऑफ पायरोल रिंग रिंग इन पॉलफायरिन रिंग में पायरोल रिंग होती हैं चार कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी चेंजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ निकल तो करेक्ट आंसर इज निकल तीसवां सवाल है विच एलिमेंट इज एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर बिसाइड आयरन आयरन के अलावा कॉपर ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है अगला सवाल है विच एलिमेंट मेंटेन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन करेक्ट ऑप्शन है मैगनीस um, अगला सवाल है नंबर ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसफर तो इसका करेक्ट आंसर है चार